हेलो दोस्तों, नमस्कार। निशी चौधरी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बना रहे हैं हरी प्याज और कच्चे आलू से बहुत ही हेल्दी, टेस्टी, मज़ेदार नाश्ता। अगर आपने एक बार इसको बना लिया तो लोग आपसे बनवा के बार बार इसको खाना पसंद करेंगे। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो यहाँ पे ले लिए हैं मैंने, एक टमाटर ले लिया है मीडियम साइज़ का, एक प्याज ये ले लिए है मैंने हरी प्याज, और ये इसका हरे वाला पार्ट है। ये तीन चार मैंने हरी मिर्च ले लिए हैं, और तीन मीडियम साइज के कच्चे आलू, इनको छील लिया है। तो लीजिए, अब मैंने यहाँ पे इनको सभी को बारीक बारीक कट कर लिया है। अब मैं लूँगी एक मिक्सिंग जार और अपनी सारी इन सब्जियों को इस जार में निकाल लूँगी। इसके बाद ऐड करूंगी मैं थोड़ा सा पानी, बस थोड़ा सा डालना है, एक पेस्ट बनाना है तो ज़्यादा नहीं डालेंगे, केवल आधा कप। तो लीजिए, मैंने इसको पेस्ट फॉर्म में तैयार कर लिया है। देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है और ना ज़्यादा थिक है ये। तो अब मैं इसको ट्रांसफ़र करूंगी इस बाउल में। अब इसके बाद ऐड करेंगे हम कुछ मसाले। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने करीब 150 ग्राम के आसपास ये बेसन है। एक चम्मच डाल दूंगी नमक, आधा चम्मच मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर और एक चम्मच जीरा। इसके बाद डालूंगी आधा चम्मच आमचूर पाउडर और एक चम्मच चाट मसाला, ताकि फ्लेवर बहुत ही अच्छा आए, और थोड़ा सा फ्रेश धनिया पत्ती। अब इसके बाद हम सारे मसालों को अपने इस बैटर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से हम इन सभी को मिक्स कर लेंगे चम्मच से, ताकि जो भी ये हमने मसाले ऐड किए हैं ये मिक्स हो जाएं। आप चाहें तो विस्कर से भी इसको फेंट सकते हैं। तो लीजिए, मैंने यहाँ पे सभी को मिक्स कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, ना ज़्यादा पतली है और ना ज़्यादा ही गाढ़ी। तो अब यहाँ पे ले लूँगी मैं एक थाली। तो थाली का यूज करेंगे, थोड़ा सा डाल दूँगी मैं इसमें घी, आप तेल, रिफाइंड ऑयल कोई भी ले सकते हैं, तो एक चम्मच के आसपास। तो मैं चारों साइड्स को लगा लूँगी, ताकि जो हमारा ये बैटर है ये तली में चिपके ना, आसानी से निकल जाए बाद में। तो लीजिए, लगा लिया है। अब बैटर निकाल लूँगी मैं सारा अपना। तो ये ट्रांसफ़र कर लिया है मैंने, थोड़ा सा हिला लूँगी ताकि ये सेपरेट हो जाए चारों साइड। तो थोड़ा सा टैप करके इसके बाद थोड़ी स्प्रिंकल करूँगी मैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ताकि देखने में भी बहुत ही अच्छा लगे। अब इसके बाद मैंने गैस ऑन करके पहले से ही पानी बॉईल होने के लिए रख दिया था, तो पानी यहाँ पे गर्म हो गया है काफ़ी। तो अब इसके ऊपर रख देंगे अपनी इस थाली को। तो इसको कवर करेंगे प्लेट से और 10 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो लीजिए दोस्तों, यहाँ पे मुझे 10 मिनट हो गई है और ये अच्छे से हमारा बैटर सेट हो गया है। इसमें आप देख सकते हैं किनारे भी छोड़ दिए हैं इसने। तो देखिए, इस बैटर को चेक करने का सबसे आसान तरीका बता रही हूँ दोस्तों। एक चाकू लीजिए और सेंटर में डाल के देख लीजिए। अगर चाकू हमारा क्लीन निकलता है तो हमारा ये बैटर एकदम परफेक्ट है। अगर थोड़ा ही चिपकता है तो 5 मिनट और इसको आप रख सकते हैं ऐसे ही। तो लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा मेरा बैटर ठंडा हो गया है। चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा
इसके किनारों पे ऐसे चाकू निकाल लूँगी चारों साइड, और इसके बाद अपनी कटिंग कर लेते हैं। आपको जो भी शेप पसंद हो तो आप उसी के अनुसार कटिंग कर लीजिए। तो मुझको यहाँ पे ट्रायंगल शेप में अपने ये कटलेट की कटिंग करनी है। तो एकदम स्मूथ सा ये हमारा बैटर सेट हो गया है यहाँ पे। तो थोड़ा मैं इसको ट्रायंगल शेप दूंगी यहाँ पे। आप ऐसे इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों, बनके रेडी है हमारे यहाँ पे ओनियन पोटैटो कटलेट। तो अब हम इनको करेंगे फ्राई। आप चाहें तो इनको ओवन में भी बेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले ही तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तो अब मैं अपने ये थोड़े थोड़े करके डाल दूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम रखें, ज़्यादा हाई ना रखें। उससे क्या होगा कि बाहर से तो ये हमारे अच्छे से फ्राई हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए लो फ्लेम पे ही हम इसको फ्राई करेंगे ताकि ये थोड़े क्रिस्पी बने। तो थोड़ा सा मैं इनको ऐसे पलटती रहूँगी। आप चाहें तो अपने इन कटलेट की और भी शेप दे सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो लीजिए, ये हमारे 5 मिनट भी नहीं हुई मुझको इनको फ्राई करते हुए, बनके रेडी हैं हमारे यहाँ पे कटलेट। तो इन सभी को निकाल लूँगी और जो बाकी के हमारे कटलेट बना के तैयार किए हैं तो वो भी मैं फ्राई करूँगी। आप चाहें तो इनको फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं, जब मन करे निकालिए और फ्राई कीजिए और सर्व कीजिए। तो लीजिए दोस्तों, बनके रेडी है हमारे यहाँ पे कुरकुरे क्रंची स्प्रिंग ओनियन पोटैटो कटलेट। तो जो बच्चे ओनियन नहीं खाते यानी कि प्याज नहीं खाते, तो आप उनको इस तरह का ये स्नैक्स बना के दीजिए जो काफ़ी हेल्दी भी है। तो जो भी इनको एक बार खाएगा आपसे बार बार बनवा कर इनको खाएगा दोस्तों, यकीनन बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू।